उसकी हस्ती हाई पाई हो गई, उसकी हस्ती उसकी हस्ती उसकी हस्ती हाई पाई हो गई, जिसकी तैबा तक रसाई हो गई। क्या हस्ती हाई पाई हो गई, हाई पाई हो गई, उसकी हस्ती हाई पाई हो गई, जिसकी तैबा तक रसाई हो गई। जिक्र सरकार मदीना के तुफे, अरे जिक्र सरकार मदीना के तुफे, मेरे भी दिल की सफाई हो गई। क्या कंकर फेंक कर पूछ लियूं, भाग कंकर फेंक कर पूछ लियूं, जिस कुएं में वो जहल को काट के डाला गया उस कुएं पर मैं चढ़ गया है। पूरा इतना पत्थर मारता है लोग, पूरा कुआं भर गया है। मैं शेर पढ़ देता हूँ। भाग कंकर फेंक कर पूछ खेलियों, भाग कंकर फेंक कर पूछ खेलियों, जैसे के उसकी पिटाई हो गई। नारे रिसालत मतलब के आला हजरत, नारे तकबीर। भाग कंकर फेंक कर पूछ खेलियों, भाग कंकर फेंक कर पूछ खेलियों, जैसे के उसकी पिटाई हो गई, उसकी पिटाई हो गए। और एक शेर, इस शेर का दर्द वही समझ सकता है जो मदीना गया है, और मदीने से जब वापसी होती है तब ये दर्द समझ पाएगा। मैं शेर पढ़ देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी दो बार हुई है। उनका आशिक फूट कर रोने लगा, उनका आशिक फूट कर रोने लगा, उनका आशिक फूट कर रोने लगा, जब मदीने से जुदाई हो गई, मदीने से जुदाई हो गए, जब मदीने से जुदाई हो गए। बहुत शुक्रिया हजरात, मैं आज स्टेज पर पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ, वरना 150 दिन तक मैंने लाइव किया था यूट्यूब पे, तो उसी पर मैंने, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए इनके दिल में दर्द है तो मदीने से जुदाई का। उनका आशिक फूट के रोने लगा, उन जब
मदीने से जुदाई होती है ना, खुदा की कसम आशिक इतना रोता है, जब मदीना जाता है इतना खुश होता है। तभी तो आला हजरत कहते हैं जब काबे का तवाफ इंसान कर रहा होता है, बज़ाहिर जिस्म जो है वो मक्के शरीफ में होता है, मगर दिल आशिक का मदीने में होता है। और जब मदीने से जुदाई होती है, हाय हाय, उनका आशिक फूट कर रोने लगा, उनका आशिक फूट के रोने लगा, जब मदीने से जुदाई हो गई। एक शेर जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, वो शेर मैं तमाम दोस्तों के हवाले से, भाई आपकी तरफ से बड़ा टैलेंटेड आदमी है आप, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने नहीं कहा आप पैसे देना, मैंने आपकी तवज्जो इसलिए दरकार है कि आप बड़े मेहनती आदमी हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, उनकी रोटी खा के उन पे मुंह लगा, ये कलाम भी नया है, ये तरन्नुम भी नया है, किसी से कभी केली नहीं कर सकता। लोगों ने कहा नया पढ़िएगा, मैंने शुरू किया लेकिन शांति छा गई, इसका मुझे अफसोस होगा। उनकी रोटी खा के उनसे मुंह लगा, के उनसे मुंह लगा, अरे आम कितनी बेहयाई हो गई, आम कितनी बेहयाई हो गई, काम कर रहे बेहयाई हो गए, बा 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 बा। सैयदी अबरार नहीं लिख सकता, नात लिखवाता है अल्लाह तो लिख लेता हूँ, वरना एक लफ्ज भी सरकार नहीं लिख सकता। एक शेर, एक कलाम ऐसा है, अब अगले साल आऊंगा तो सुनाऊंगा, वो कलाम है जिसमें नुक्ता है ही नहीं, पूरे कलाम में पूरे शायरों को चैलेंज, ऐसा कलाम जिसमें नुक्ता है ही नहीं, पूरे कलाम में जो नुक्ता दिखा दिया 10,000 इनाम तक का यही कलाम, इसीलिए तो 10,000 दे रहा हूँ। एक ऐसा कलाम है जिसमें कहीं नुक्ता नहीं, मैं शेर पढ़ देता हूँ, सुन ले। उनकी रोटी खा के उनसे मुंह लगा, आम कितनी बेहयाई, मुस्तफा के मीम की तफसीर में, मैं तो क्या कोई कलमकार, देखो बोलो मैं तो मैं बैठ गया, मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता। सुनिए, मुस्तफा के मीम की तफसीर में, अरे मुस्तफा के मीम की तफसीर में खत्म सारी रोशनाई हो गई। सारी रोशनाई हो गई, बा 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 की तफसीर में खत्म सारी रोशनाई हो गई। ये बहुत बड़ा शेर था जिसको आपने बहुत आसानी से सुन लिया, हाँ बहुत आसानी से आपने सुन लिया। मुस्तफा के मीम की तफसीर में
सारी रोशनाई हो गए। मसलके हर सांस को हर शुक्र है, मसलके हर सांस को हर शुक्र है। अब मेरी भी आशनाई हो गई।